अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मैं आपके पास 5th क्लास की उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ। ऑब्जेक्टिव में सवाल जवाब है जी, हमारे पास सवाल जो है पूरी बुक से, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना। कोई भी मशकी ग्रामर, मसलन खत्मा, सकता, वक्फा, वावेन, कोसैन, हर्फ, हरफे जार, निदा, तासुफ, इस्तेजाब, अतफ, इसम मार्फा, इसम नकरा, शकिया, तमन्नाई, फेल, फाइल, मुफअला, शर्तिया और जजार वगैरह, इन इन इसबाक के हम लोग करेंगे। सबक नंबर 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23 और जायज़ा 1, 2, 3, 4, 5। तो तकरीबन तमाम किताब के हम लोग ये ऑब्जेक्टिव करेंगे। पहले सकते का इस्तेमाल है, कवायद की रूह से खत्मा और सकता। फिर सबक नंबर 3, यह जी सबक नंबर 3 के आगे ऑब्जेक्टिव, इसमें इसम मार्फा, इसम ज़मीर सब दिया हुआ है। फिर सबक नंबर 4, सबक नंबर 5, सबक नंबर 8, ये जी आगे सबक नंबर 12, सादा जुमले और शकिया जुमले, फेल माजी, तमन्नाई, शर्तिया के जुमले, ये हमारे फेज माली उसके अल्फाज हैं, तमन्नाई और शर्तिया की अगर काश अगर। सबक नंबर 13, सबक नंबर 15, मिसालें देकर वाजह किया गया है। सबक नंबर 17, फिर है जी सबक नंबर 23। गर्ज़ के तमाम किताब के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, नोट्स दिखा दिए हैं। जायज़ा नंबर 1, जायज़ा नंबर 1 में हमारे खत्मा, सकता का इस्तेमाल, सवाल नंबर 1, जायज़ा 2 का इसम मार्फा, नकरा की तलाश, जायज़ा नंबर 3, वावेन का इस्तेमाल भी करें, काश और अगर के जुमले मुकम्मल करें। जायज़ा नंबर 4, उसके सवाल जो आप खाली जगह,